नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन नेशन में। इस वक्त बड़ी खबर अफगानिस्तान से, क्योंकि अशरफ गनी ने दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति अशरफ गनी जो है लड़ रहे थे तालिबान से, लेकिन उन्हें लगा कि अब तालिबान जो है वो हमारे ऊपर भारी पड़ रहा है और शायद हम भी मारे जाएंगे। उनके ऊपर भी कई सारे हमले हुए, इसी को देखते हुए राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। पूरा मामला क्या हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी जो भी लाइनें हमने कही है, ये खबरें चल रही हैं, ये बड़े बड़े मीडिया चैनल ये खबरें चला रहे हैं, इसीलिए हमने आपके सामने वही लाइन पेश की जो खबर चल रही है। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्या सचमुच ऐसा हुआ है, क्या सचमुच अशरफ गनी ने इस्तीफा दिया है, या फिर सिर्फ ये झूठ फैलाया जा रहा है ताकि अफगानिस्तान के लोग और भी डरे। क्या ऐसा कुछ है, चलिए हम आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। बता दूं, तालिबान के खिलाफ आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे राष्ट्रपति गनी, इस्तीफा देने की अफवाह खारिज। यानी कि जो अफवाह चल रही थी कि अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया है या फिर अशरफ गनी इस्तीफा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अशरफ गनी को खुद लाइव आना पड़ा और उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। बता दूं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अशरफ गनी तालिबान की मांग के आगे झुकते हुए इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने आज कहा कि हमने तालिबान के खिलाफ लड़ाई जो है लड़ी है और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ऐलान किया है कि वे तालिबान के खिलाफ आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अशरफ गनी तालिबान की मांग के आगे झुकते हुए इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने आज कहा कि हमने तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है। तालिबान की प्रमुख मांग यही है कि अगर राष्ट्रपति गनी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो वो हमलों की कार्रवाई को रोक देगा। अफगान उपराष्ट्रपति ने दी जानकारी। बता दो, अफगान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने बताया कि राष्ट्रपति भवन में एक सुरक्षा बैठक में तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और राष्ट्रीय प्रतिरोध का पूरा समर्थन करने का फैसला किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि राष्ट्रपति गनी ने फैसला किया है कि रक्षा और सुरक्षा बलों के साथ राष्ट्रीय प्रतिरोध बलों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तालिबान ने 18 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया। तालिबान के 8 दिनों के अंदर अफगानिस्तान की 34 में से 18 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया गया है। हेरात और कंधार के कब्जे के 24 घंटे अंदर तालिबान ने कलात, तेरनकोट, पुले आलम, फिरोजकोह, कालाए नवा और लश्करगाह पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। तालिबान का अगला निशाना राजधानी काबुल है। तालिबान के आतंकी काबुल के चारों तरफ से घेरे हुए बैठे हुए हैं। अफगान नेताओं से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं बाइडन। बाइडन ने भी एक दिन पहले पत्रकारों से कहा था कि अमेरिकी सैनिकों ने पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान की सहायता के लिए वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें अफगान लोगों अपने लिए, अपने देश के लिए लड़ना होगा। अमेरिका सीमित हवाई हमलों के साथ अफगान सेना का समर्थन कर रहा है, लेकिन इससे अब तक कोई रणनीतिक बदलाव देखने को नहीं मिला है। अमेरिका की सोच से तेज चल रहा तालिबान। अमेरिकी सैन्य नेतृत्व जितना सोचा होगा उससे भी कहीं तेजी से चल रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सरकार सेना युद्धग्रस्त देश में तालिबान के सामने पस्त हो रही है। इसके बावजूद व्हाइट हाउस, पेंटागन या अमेरिकी जनता के बीच इसे रोकने का उत्साह कम ही नजर आ रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब शायद अफगानिस्तान में कुछ करने के लिए बहुत देर भी हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की पूर्ण वापसी की घोषणा किए जाने के बाद से युद्धग्रस्त देश में हर रोज हालात खराब होते जा रहे हैं। ये पूरा का मामला था जो हमने आपको दिखाया। अब आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि तालिबान भारी पड़ रहा अफगान पर और कोई देश खुलकर समर्थन नहीं करना चाह रहा है और अब अफगानिस्तान अकेला है। देखते हैं अशरफ गनी क्या करते हैं और वहाँ के बड़े बड़े आला अधिकारी क्या करते हैं, क्या सरेंडर कर देंगे पूरे अफगानिस्तान को या फिर आखिरी जंग तक लड़ते रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में राय, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।